तो आज की वीडियो का लाइक का एम है 35 लाइक्स। तो अगर आपको लग रहा हो अभी भी कि कम है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि 35 लाइक्स का एम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सही जगह आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम हेयर से रिलेटेड ही चीज़ें कवर करने वाले हैं। हेयर प्रोडक्ट्स की नहीं बल्कि योगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है आपके हेयर को, जो कि मदद करेगी आपके हेयर को इंक्रीज करने में और आपके बालों को सिल्की और शाइनी बना सकती है। तो आज के कुछ सिंपल योगासन आपके बालों के हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा और जिसकी वजह से आपका जो हेयर का अपीयरेंस है, जो लश्चर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, उन पांच आसन में से जो पहला आसन है उसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। ये स्ट्रॉन्ग पोज जो है वो आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेंथ करता है, आपकी बॉडी के जो साइड्स होते हैं उनको खोलता है बहुत अच्छी तरीके से, और जो आपके लंग्स का ओपनिंग है, जैसे जितना आप ओपन होता है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से खोलता है पूरा। अगर आप इस पोज का प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे तो आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है, ग्रेविटी के कारण ये ब्रेन में ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देता है और ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है और आपके हेयर ग्रोथ को भी बहुत अच्छे तरीके से फास्ट कर देता है। दूसरा आसन आता है चाइल्ड पोज, जिसको हम लोग बालासन से भी जानते हैं। इसको चाइल्ड पोज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आपको ये नई नई एनर्जीज देता है। बालासन के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं और ये आपकी बैक को भी स्ट्रेच करता है और ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डीपली ग्राउंड की तरफ जाने को, आपके माइंड को शांत रखने में और माइंड को कूल रखने में भी ये बहुत हेल्प करता है। जो आपके डेवलपिंग एड्रिनल है और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उनको भी हेल्प करता है। जो तीसरा आसन आता है उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति अपने में ही बहुत ज़्यादा मिरेकुलस बेनिफिट रखता है। अगर आप स्टोमक की मूवमेंट और ब्रीथिंग को बहुत अच्छे तरीके से रिदम में ले आओगे तो इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने में और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर आप कपालभाति रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आपकी बॉडी को ये रीजनरेट करेगा बहुत अच्छे तरीके से, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक करेगा। चौथा आता है शोल्डर स्टैंड, जिसको हम लोग सर्वांग आसन भी कहते हैं। इस आसन के बहुत ज़्यादा शांत वाले प्रभाव होते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को भी शिफ्ट कराता है पैरा सिंपेटेटिक मूड में। इस योगा में जो चिन है वो आपकी चेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है, जो कि बहुत अच्छे बेनिफिट देता है। पांचवा आता है हेड स्टैंड, जिसको हम लोग शीर्ष आसन भी कहते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट पोज है तो आपको किसी का सपोर्ट वगैरह ले लेना चाहिए या तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं इसको करने के लिए, अगर आप लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो। ये पूरा इन्वर्टेड पोज है क्योंकि इसमें जो है लेग्स ऊपर हो जाते हैं और आपकी बाकी बॉडी नीचे रहती है और इसका बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट भी होता है और इसको करने से बहुत अच्छा ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स और जो भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर ठीक हो जाती है और आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक बहुत अच्छा सा फील लगता है जब आप ये आसन करते हैं। तो यही थे पांच आसन वो, जिसकी वजह से आपके हेयर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हट सकते हैं और जो आपके हेयर फॉल है उसको भी रिड्यूसमेंट या बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो सकता है। तो ये पांच आसन आपको डेली बेसिस पर करने की ज़रूरत है, चाहे आपके हेयर फॉल्स हैं या कोई दिक्कत है उसकी वजह से नहीं, सिर्फ आपको ये डेली बेसिस पर हैबिट में लाना है, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।